दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई लगातार हम इसका चैनल पर खबर देने का काम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से और इसी के साथ ही तमाम बड़ी खबरें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। प्रत्येक खबर को गौर करिएगा, समझिएगा। आपको बता दें रोज़ाना आपको जो नवनीत जेएमएच चैनल है यहाँ पर मैं अपडेट देता हूँ किसी भी राज्य की। आंगनबाड़ी बहनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आपको बता दें आंगनबाड़ी में पोषण आहार वितरण में टोकन सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है और बिहार से ये खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य राज्यों से भी बहुत ही अहम खबरें हैं। पहले तो इस खबर को जान लेते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रही पोषाहार में ICDS ने नया सिस्टम जो है थोप दिया है। थोप हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ियों का विरोध भी हो रहा था जबरदस्त तरीके से, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की एक ना सुनी और ये जबरदस्ती जो है इस सिस्टम को थोप दिया। आपको बता दें समाज कल्याण विभाग की यह नई पहल की शुरुआत कर दी गई है और इस नए नियम में पोषाहार में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सरकार कह रही है। इसलिए टोकन प्रणाली को लागू किया गया है। आपको बता दें लाभार्थी के बीच पोषाहार वितरण करने के लिए सिस्टम लाया गया। जब तक आप OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं बताएं तब तक आपको पुष्टाहार नहीं मिलेगा। तो ये भी बड़ी जानकारी, इससे पता चल जाएगा कितने लाभकों तक पुष्टाहार पहुंचा है वाकई में या फिर काकचों में खाना पूर्ति तो नहीं हुई है, ये सरकार कह रही है। हालांकि आंगनबाड़ियाँ इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे लाभार्थी जो है उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाएंगे कि वो पुष्टाहार खा जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की एक ना सुनी गई। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। बिहार के कैमूर से आरी निकलकर THR का वितरण आंगनबाड़ी केंद्र पर हुआ है। आपको बता दें बाल विकास परियोजना कार्यालय के अंतर्गत सदर प्रखंड भभुआ के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर सूखा राशन का वितरण हुआ है। अगली जो खबर है आपको बता दें झारखंड से निकलकर आ रही है, पलामू से झारखंड के, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। तस्वीर भी आप लोग देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की समझा जा सकता है। भूख हड़ताल ऐसे कोई नहीं कर सकता है, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। पहले तो खबर आपको बताते हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन पलामू की जिला इकाई के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल की है। आपको बता दें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं बाल मुकुंद सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के सभी परियोजना का मानदेय पिछले 3 महीने से बकाया है, 3 माह से मानदेय नहीं मिला है यहाँ पर। इसी के साथ ही पोषाहार का जो है भुगतान, जो पोषाहार खरीदा गया उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इससे दुकानदार और सेवकाओं को प्रताड़ित, जो दुकानदार हैं सेवकाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है। बताया गया है कि यूनियन द्वारा इस गंभीर मसले पर विभाग को ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें जिले में पूर्व में 11 करोड़ घोटाले को दबाने की साजिश की जा रही है, वहीं आंगनबाड़ी सेवकाएँ कर्ज में डूबते जा रहे हैं। स्थिति है झारखंड में पलामू जिले की, यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी जो है शिकायत कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें अगली जो खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलकर आ रही है, यहाँ पर स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल जो है मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें DM ने कहा है, जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर शासन की मंशा के अनुसार 100 दिन में जो है पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाएगी, यानी कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय में पानी की व्यवस्था होगी ही होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान के अंतर्गत विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल मुहैया कराने के संबंध में जो समीक्षा कर रहे थे इसी मौके पर उन्होंने ये बात कही है और कहा है कि जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष अभियान चलाकर निर्धारित विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पेयजल की आपूर्ति का कार्य हो जाना चाहिए। यदि किसी स्थान पर हैंडपम्प अथवा समरसेबल पंप की आवश्यकता है तो उसका आकलन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो कहीं ना कहीं ये अभियान जो पूरे देश भर में चल रहा है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों विद्यालयों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगली जो खबर आपको बता रहे हैं बड़ी अहम खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से निकल कर आ रही है। आपको बता दें जो बागपत जनपद है यहाँ पर 6 पुष्टाहार उद्योग बनेंगे जिससे जो महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को वितरित किए जाने वाले पुष्टाहार का उत्पादन जिले में ही किया जाएगा, यानी टेंडर प्रक्रिया वो खत्म हो चुकी है पहले ही। और इस पुष्टाहार का जो है बागपत से खबर आ रही है, हर ब्लॉक पर लगभग 60 लाख रुपए की लागत से पुष्टाहार के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, 60 लाख रुपए की लागत से और हर ब्लॉक स्तर पर बताया जा रहा है। इसके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दे दी गई है और प्रत्येक ब्लॉक में एक नोडल और स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया गया है। 30 और 31 अक्टूबर को ब्लॉक स्तरीय नोडल पर प्रत्येक समूह के 2 महिलाओं को लखनऊ में उद्योग संचालन संबंधी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे उन्हें संचालन करना है।
पुष्टाहार उद्योग लगने से महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा, इसी को लेकर सरकार ने यह प्रोसेस की है, प्रक्रिया की है। डीएम जो यहाँ के शकुंतला गौतम, इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए रोजगार की राह खुल जाएगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय है जिससे बढ़ेगी। आप बताइएगा इस फैसले को लेकर आप खुश हैं या फिर नहीं, कमेंट में बताइएगा। आपको बता दें कई जनपदों के नाम निकल कर आ रहे हैं जहां पर उद्योगों का संचालन होगा। जनपद आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं, जो जिला मिशन प्रबंधक साय फैसल अंसारी ने जो बताया है, इसके अनुसार बागपत, बिजनौर, फतेहपुर, उन्नाव, अलीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, औरैया, इटावा, चंदौली, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, यहाँ पर जो है उद्योगों का संचालन किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें जहाँ यहाँ के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी बागपत थे, इन्होंने बताया कि जनपद में उनके 1338 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 891 आंगनबाड़ी व 846 सहायिकाएँ काम कर रही हैं। जिले में अगस्त माह तक सामान्य श्रेणी के जो है एक लाख से अधिक जो है लाल श्रेणी के 745 और पीली श्रेणी के 2669 बच्चे हैं। तो ये जानकारी जो है दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर आ रही है बागपत से। आपको बता दें अगली जो खबर है, मेरिट के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती होगी, और भर्ती कहाँ की, ये खबर छत्तीसगढ़ की, ये खबर है छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ के सिमगा से निकल कर आ रही है। दरअसल हकीकत बाल विकास विभाग सिमगा के परियोजना अधिकारी ने बताया कि सिमगा ब्लॉक में कुछ स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जो है भर्ती होनी है। अगर आप इस क्षेत्र से खबर देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें ये प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर होगी, जो भर्ती होगी मेरिट के आधार पर होगी। तो ये बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया मेरिट के आधार पर निष्पक्ष की जाएगी। यदि किसी को नियुक्ति नियम निर्देश की कॉपी चाहिए तो कार्यालय से ले सकता है, ये बात जो है परियोजना अधिकारी कह रहे हैं। अगली जो खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा से निकल कर आ रही है, 5000 कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, ये खबर है क्या? आपको बता देते हैं कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद भी स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी जो हैं 5000 बताए जा रहे हैं, इनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 माह पहले इसकी घोषणा की थी, विभागीय आदेश नहीं आने की बात जो है अधिकारी कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि के रूप में कर्मचारियों को 10000 रुपये प्रतिमाह मिलना था। प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप फैलने के बाद अप्रैल माह में इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि कोरोना के दौरान ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की है, लेकिन इस पर अभी तक अमल शुरू नहीं हुआ है। अब अमल नहीं हुआ तो कैसे इन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा? कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों के लिए प्रोत्साहन राशि देने के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों और बाल विकास कर्मियों के अभी तक जो है आदेश जारी नहीं हुए हैं। और इस संबंध में ऐसा नहीं अवगत ना कराया, अवगत भी कई बार कराया, लेकिन अभी तक मामला जो है इनका निस्तारित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। और आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक की भूमिका भी निभाएंगी। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं प्री प्राइमरी में दर्जा दिया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों का, शिक्षक की भूमिका निभाएंगी, नई दिल्ली से खबर है। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई, और इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में शुरुआती जो है बेसिक स्तर की पढ़ाई कराई जाएगी। इस अवसर पर स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी में भी प्रदान किए जाएंगे। ये जो अवसर है प्री प्राइमरी स्टार्टिंग तो आंगनबाड़ी केंद्रों से ही होगी। आपको बता दें अहम जानकारी जो है निकल कर आई, शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। 29 सितंबर को एक बैठक हुई थी जिसके अनुसार कुछ चीज़ें मंजूर हुई हैं। दरअसल एनसीटीई को ये जिम्मा सौंपा गया है कि भाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करें। अभी तो आपको पता है कार्यकर्ता की 10वीं पास और सहायिका 8वीं पास में भी बन जाती है। अब ऐसे में प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जाएगी। तो ये मेन चीज़ जो है एक खबर बड़ी निकल कर आ रही है। आपको बताएं दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल होती है, उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाता है। ये तो सब रटी रटाई बातें हैं। अहम चीज़ क्या निकल कर आ रही है आपको बता दें, NCTE की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चा हुई है और निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य इस बार अपना फीडबैक दें। यानी कि जो न्यूनतम योग्यता को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अब प्री प्राइमरी अध्यापक बन जाएंगे तो न्यूनतम योग्यता कितनी होना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन रखी जाए? आपको बता दें पंजाब में ग्रेजुएशन रखी जा रही है न्यूनतम योग्यता, और इसी को लेकर वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें जो हैं विरोध कर रही हैं। आप बताइएगा क्या कार्यकर्ता की भर्ती जो है न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन रखी जानी चाहिए या फिर इंटर रखी जानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करें, साथ ही लाइक कर दें। आंगनबाड़ी बहनों से रोजाना जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, साथ ही GMHNews.in पर विजिट करें, वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं।
चलिए एटा से एटा की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा से एक खबर निकल कर आ रही है, गेहूं चावल के साथ देसी घी मिलेगा। आपको बता दें अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशु गर्भवती धात्रियों किशोरियों में खून की कमी जो होती है इसको लेकर उनको खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी जो यहाँ के संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि पोषाहार के रूप में ड्राई राशन जो है दाल चावल गेहूँ आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किया जाएगा। साथ ही गर्भवती धात्री महिलाओं व 11 से 14 साल की किशोरियों को प्रतिमाह 2 किलो गेहूँ, समझिए क्वांटिटी यानी मात्रा समझिएगा, 2 किलो गेहूँ 1 किलो चावल 750 ग्राम दाल एवं त्रैमासिक यानी 3 महीने में 450 ग्राम देसी घी यानी कि 500 ग्राम आधा किलो से कम 750 ग्राम मिल्क पाउडर पोषाहार के रूप में दिया जाएगा। यानी ये त्रैमासिक होगा, ऐसा नहीं कि हर महीने आपको मिलेगा। भाई 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1.5 किलो गेहूँ ये प्रति माह मिलेगा, 1 किलो चावल 450 ग्राम दाल एवं त्रैमासिक 450 ग्राम देसी घी 400 ग्राम मिस्क्रीम्ड मिल्क पाउडर दिया जाएगा। तो ये अहम जानकारी जो निकल कर आ रही है, मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी बहनों के वेतन से जुड़ी हुई, अब कोई खबर ऐसी है नहीं खास तो मैं आपको बताऊं, लेकिन बहनों के वेतन से जुड़ी हुई बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का वेतन नहीं आया है, 3 माह से वेतन बताया जा रहा है कि उनका बकाया है, लेकिन नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इतना बड़ा पर्व चलने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों का वेतन नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं दुख की लहर है और शोक की लहर में आंगनबाड़ी बहनें डूबी हैं। मध्य प्रदेश में भी वेतन नहीं आया, आपको बता दें अन्य राज्यों में भी वेतन नहीं आया, इतनी बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 3 माह का वेतन नहीं आया, नवरात्रि चल रही है और इसी के साथ ही आपको बता दें दशहरा का बड़ा पर्व आने वाला है, कुछ दिनों बाद दीपावली का भी पर्व है। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनें लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उनका वेतन कब आएगा। तो अहम चीज़ ये है, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि उनका वेतन 1 हफ्ते में निकल कर आ जाएगा। आपको बता दें विभागीय सूत्रों के अनुसार जानकारी निकल कर आ रही है कि 1 हफ्ते के अंदर उनका वेतन आ सकता है, लेकिन ये सूत्र ही बता रहे हैं, अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे ही आपका वेतन आने से पहले PFMS में लग जाता है, PFMS प्रणाली में लग जाता है, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपका वेतन आने वाला है। आप लोग PFMS प्रणाली में चेक करिएगा, अगर आपका वेतन लग गया होगा तभी आप सियोरिटी मानिए कि आपका वेतन आने वाला है, यानी कि लग चुका है तो आपको मिलेगा और लगभग 1 हफ्ते में मिल जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा आपका PFMS में लग गया है या फिर नहीं, कमेंट है बताइएगा, अगर लग गया है तो किस जिले का लग गया है ये भी बताइएगा। आपको बता दें बिहार में चुनाव हुए और इस कारण से वहाँ पर तो वेतन का भाई भुगतान समय पर किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा। वादे बड़े बड़े होते चुनाव से पहले, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता है जमीनी स्तर पर सभी को पता है। खैर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी खबरें हम लगातार उठाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को लगातार बताते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, नमस्कार।